अररिया जोन के पहले आईजी के रूप में पदभार संभालने के बाद आईजी विनोद कुमार ने अररिया जिले के दौरा किया। अपने दौरे के दौरान आईजी विनोद कुमार ने अररिया अनुमंडल के सभी थाना पदाधिकारी एसडीपीओ इंस्पेक्टर के साथ अपराध की समीक्षा की और पुलिस पदाधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पहले मैंने ऑफिस को देखा, वहाँ का जो काम था उसको पूरा करके और फील्ड विजिट के लिए निकले। पहले अररिया जिला को मैंने चुना है और यहाँ आकर के अनुमंडल वार हम समीक्षा कर रहे हैं अपराध की और विधि व्यवस्था की। तो अभी फर्स्ट हाफ में मैंने अररिया सदर अनुमंडल का किया है और जो भी पेंडिंग केसेस हैं, जो भी पेंडिंग वारंट्स हैं, खास करके जो गंभीर अपराध हैं उसमें जो लंबित कार्रवाई है, इसको मैंने टारगेट किया है कि इसको 15 दिनों के अंदर आप इसमें सुधार लें और अभियान चला करके जो फरार अधिक हैं खास करके गंभीर कांडों में उसकी गिरफ्तारी करें। विधि व्यवस्था के बारे में मैंने सबसे फीडबैक लिया है एसडीपीओ से, थाना प्रभारी से, एसपी से। तो आगामी जो भी त्यौहार हैं, मुहर्रम वगैरह जो आने वाले हैं, तो अभी तक स्थिति हमको ठीक ठाक बताई गई है। साथ ही उन्होंने आने वाले त्यौहार मुहर्रम को लेकर भी रिपोर्ट मांगी। आईजी विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शांति समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं उन्होंने अररिया में पुलिस की कार्यशैली पर संतोष जताया। पुलिस मुख्यालय का निर्देश था कि शांति समिति का पुनर्गठन कर लेना है। इस बिंदु पर भी मैंने कंप्लायंस की जांच की, तो जिला लेवल पर अभी बाकी है, उसके लिए मैं डीएम साहब से भी बात करूंगी और थाना लेवल पर इन्होंने शांति समिति का पुनर्गठन लगभग कर लिया है। हम यहाँ पर कैंप करते हुए इसकी भी चेकिंग करेंगे औचक रूप से कि उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ। मोर और लेस जिले में अपराध और विधि व्यवस्था की जो स्थिति है वो ठीक है। इसके साथ ही आईजी विनोद कुमार ने अररिया पुलिस लाइन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि विभाग से बात कर अररिया को अपना पुलिस लाइन दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।